गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर फॉर सेल इन मार्केट। इस कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, एनिमल्स रेयरिंग किया जाता है, उसको मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है, उसको अर्निंग करने के लिए किया जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इन इज लार्ज। इस कमर्शियल फार्मिंग में बड़े बड़े एरिया में कल्टिवेशन वर्क किया जाता है, इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वह भी काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए कि कमर्शियल पर्पज से किया जाता है या इसको अर्निंग करने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन इन बाय मशीन। कमर्शियल फार्मिंग में अधिकांश काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, जबकि अपने दूसरे सब्सिस्टेंस फार्मिंग में अधिकांश काम हाउस होल्ड फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाता है। इसमें मशीनों के द्वारा किया जाता है या जो लेबर लगते हैं वो बड़े स्तर पर लगते हैं। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं वह कमर्शियल पर्पस से उगाए जाते हैं, वाणिज्य के लिए उगाए जाते हैं, बेचने खरीदने के लिए उगाए जाते हैं। जैसे इसमें व्हीट और मैच, गेहूं और मक्का का जो फार्मिंग है वह काफ़ी कॉमन है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो बड़े बड़े एरिया में जहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है वह मेनली टेम्परेट ग्रासलैंड वाला एरिया होता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के पार्ट हैं। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ एकर्स। इस तरह के जो खेत होते हैं वह बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मिंग एरिया होते हैं, इसलिए कि कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए छोटे एरिया पर किया जाए और बहुत कम उसका प्रोडक्शन हो तो वह फिर यूजलेस हो जाएगा। इसलिए इस तरह के जो कल्टीवेशन होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते हैं, वह हंड्रेड्स ऑफ एकड़ के होते हैं, यानी एक एक फार्म, एक एक जो एरिया है वह बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें मशीनों के द्वारा, मॉडर्न टूल्स के द्वारा, मॉडर्न फर्टिलाइजर के का यूज करके इस तरह के फार्मिंग किया जाता है। सेवर विंटर्स एस्ट्रीस्टिक द ग्रोइंग सीजन्स ओनली इन दिस सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वह अच्छे ग्रोइंग के लिए, क्रॉप्स के अच्छे प्रोडक्शन के लिए वह काफ़ी अच्छे क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए वह अच्छा नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए कि सन शाइन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जहाँ पर सीवियर कोल्ड पड़ता है वहाँ पर साल में ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड्स एंड क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। जो मिक्स फार्मिंग होता है उसमें फूड या फूड और क्रॉप्स, चारा वाले क्रॉप्स उगाए जाते हैं या लाइव स्टॉक रेयरिंग किया जाता है। इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, इन सारे जगहों पर ये मिक्स फार्मिंग किया जाता है। अब बताए जा रहे हैं आप लोगों को हम प्लांटेशन के बारे में। प्लांटेशन आर द ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, केशव, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ये जो प्लांटेशन वाले जो क्रॉप्स हैं इसमें शुगर केन, कॉफ़ी, इनको एक जगह प्लांट करके या उसके डंठल को काट करके फिर दूसरे जगह उसको जब लगाया जाता है इसको प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं, प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। जैसे शुगर केन का आप देखे होंगे, शुगर केन को का कोई अलग से सीड्स नहीं होता है, उसको काट काट करके उसी डंठल को ही दूसरे जगह उसको लगाए जाते हैं। इसमें प्लांटेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें बहुत बड़े स्तर पर कैपिटल और लेबर की आवश्यकता पड़ती है।
द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाई फैक्ट्रीज, या जो 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 प्रोडक्शन है या तो बड़े बड़े फार्म लगाया जाता है या कहीं किसी फैक्ट्री के नज़दीक में लगाया जाता है, जिससे हम लोग यहाँ बड़े बड़े फार्म तो नहीं है, लेकिन शुगर कैन वहीं पर उगाए जाते हैं जहाँ पर उसका इंडस्ट्री है, उसका फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, अदरवाइज वो यूजलेस हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, इसलिए इस तरह के प्रोडक्शन के लिए, इस तरह के क्रॉप्स के लिए रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होना काफ़ी इसेंशियल है, ताकि उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाया जा सके, इसलिए कि उसका यूज इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ प्रोसेसिंग होता है, फिर प्रोसेसिंग के बाद फिनिश गुड्स होता है और तब जाकर के फिर मार्केट में आता है। अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग डेवलप ट्रांसपोर्ट नहीं हो तो वह फिर नहीं हो सकता है, वह यूजलेस हो जाएगा, वह उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा या वह इंडस्ट्री में नहीं जा पाएगा। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में और श्रीलंका में उसके एग्जांपल हैं। अब हम बताए जा रहे हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारे जिस स्पीड से जो पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का काफ़ी रैपिड स्पीड से, काफ़ी तेज स्पीड से उसका ग्रोइंग हो रहा है, और उस पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्रॉप्स का वो ग्रो करना भी जरूरी है। क्रॉप ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, क्रॉप जो भी रॉ वेस्ट जो रॉ क्रॉप एग्रो वेस्ट जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्रॉप्स उसका रॉ मटेरियल होता है, और क्रॉप्स ही उसको उगा करके एज ए रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाएगा, तब जाकर के जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है वह चल पाएंगे, अदरवाइज उनको चल नहीं पाएंगे। मेजर फ्रूट क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मैश, ये सब मेजर फ्रूट क्रॉप्स हैं। अब फिर चलते हैं हम एक एक करके सबसे सभी क्रॉप्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले राइस के बारे में, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, राइस जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे मेजर फूड क्रॉप्स है। इट इज द स्टेबल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, या ट्रॉपिकल रीजन का और सब ट्रॉपिकल रीजन का दोनों का यह स्टेबल डाइट है, प्रधान भोजन है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, राइस को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, जैसे अभी अभी का मौसम है यानी अगस्त सितंबर मई जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना होता है यह उसके लिए फेवरेबल होता है, इसमें हाई टेम्परेचर भी होता है, हाई ह्यूमिडिटी भी होता है और हाई रेनफॉल भी होता है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल सॉइल, यह एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे उगाए जाते हैं ताकि यह वाटर को रिटेन करके रखता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय इंडिया, चाइना में सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है राइस का, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये भी सब हैं जहाँ पर राइस प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, टू आर और थ्री क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, ये जहाँ का फेवरेबल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे वेस्ट बंगाल का, बांग्लादेश का, वहाँ पर दो से तीन बार साल में क्रॉप्स को उगाया जाता है। व्हीट के बारे में, व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, व्हीट जिस समय ग्रो करता है, जिसमें वो काफ़ी वो आगे बढ़ता है, उस समय मॉडरेट रेनफॉल जो होते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर होते हैं, यानी वैसा टेम्परेचर ना ज़्यादा हो न कम हो, और रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं हो कम भी नहीं हो, जैसे नवंबर के महीने में हम लोग के यहाँ गेहूँ उगाए जाते हैं, उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता है, बहुत कम भी नहीं रहता है, रेनफॉल
बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता है, बहुत कम भी नहीं रहता है, और ब्राइट सनशाइन भी होता है। और फिर हार्वेस्टिंग के समय में, जब उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, उस समय ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। इसका उत्पादन सबसे अच्छा जो वैसी जगह पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का जमाव नहीं हो, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल हो। इट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, कनाडा, चाइना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जगह हैं। इंडिया, यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूँ उगाए जाते हैं। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। हमारे यहाँ नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में इसका हार्वेस्टिंग होता है। मिलेट्स, मिलेट्स दे आर ऑल्सो ग्रोन, ऑल्सो नोन एज कोरस ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। मिलेट्स जो है, जिसको लोग ज्वार बाजरा भी बोलते हैं, या ज्वार है, और इसको कोरस ग्रेन कहते हैं, यानी मोटा अनाज कहते हैं, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट नहीं होते हैं या लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। ये कम फर्टाइल लैंड में भी और सैंडी सॉइल में उगाए जाते हैं। इट इज ए हार्डली क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। ये वैसा क्रॉप्स है यहाँ पर बहुत कम बारिश की आवश्यकता होती है, और हाइट से लेकर के, ज़्यादा से लेकर के कम मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, या एडिक्वेट रेनफॉल भी रहेगा तो भी इसका उत्पादन अच्छा हो जाता है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ये हमारे देश में उगाए जाते हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजेरिया, चाइना एंड नाइजर। दो दूसरे देश में, चाइना, नाइजेरिया में भी उगाए जाते हैं। मैच, मक्का। मक्का रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मक्का के लिए मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, और मॉडरेट रेनफॉल की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पानी बहुत ज़्यादा होगा तो इसका उत्पादन नहीं हो पाएगा, और सनशाइन की भी आवश्यकता होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। या वहीं उसका उत्पादन होता है जहाँ पर वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल हो, यानी जहाँ का पानी, जहाँ पर नहीं जम सके, पानी का रुके नहीं, वहीं पर इसका उत्पादन हो सकता है। मैज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, इन सारी जगहों पर इसका उत्पादन होता है। कॉटन, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। कॉटन वैसी जगह पर इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो और हल्का, बहुत कम बारिश होता हो, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसके लिए 200 से अधिक दिन, और वह भी फ्रॉस्ट फ्री, यानी पाला नहीं पड़े, ठंडा नहीं पड़े, वैसे दिन की आवश्यकता होती है, ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके ग्रोथ के लिए। काफ़ी तेज धूप की आवश्यकता होती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। इसका उत्पादन अच्छा ब्लैक और एलुवियल सॉइल में होता है। चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, ये उसके लीडिंग प्रोड्यूसर वाले कंट्री हैं, जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का यह एकमात्र रॉ मटेरियल है। बिना इसके कॉटन टेक्सटाइल जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वह रन नहीं करेगा। यही उसका रॉ मटेरियल है, यह रहेगा और कुछ भी रहे या नहीं रहे, अगर ये नहीं रहता है तो वह इंडस्ट्री नहीं चल पाएगा। जूट, जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जो हम लोगों के यहाँ, जिसको हम लोग चट्टी वाला बोरा कहते हैं, उसको वो जूट का ही बना हुआ होता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसको एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है और इसको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। पहले हम लोग के वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा ये उगाया जाता था, यही वजह था कि वहाँ पर बहुत सारे जूट मिल होते थे। इसके लिए हेवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है, वैसे एरिया में उसको उगाया जाता है। इंडिया, बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ये
इंडिया और बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में जूट का प्रोडक्शन होता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी को गर्म और वेट क्लाइमेट, नमी युक्त क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की आवश्यकता होती है जहाँ पर पानी नहीं रुके, इसलिए इसको हिल स्लोप जो है इसके लिए सबसे फेवरेबल प्लेस होता है और वहाँ पर यह उगाए जाते हैं या उसके लिए काफ़ी सुटेबल होता है। ब्राज़ील इज लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाई दी कोलम्बिया एंड इंडिया। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब टी, टी इज ए बेवरेज क्रॉप्स। टी और कॉफ़ी दोनों को बेवरेज क्रॉप्स कहा जाता है, पे क्रॉप्स कहा जाता है, पीने वाला क्रॉप्स कहा जाता है। टी इज ए बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशन। इसको प्लांटेशन करके, इसके डंठल को काट करके इसका लगाया जाता है इसके पौधे को, या प्लांटेशन क्रॉप्स है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, या इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, ठंडा क्लाइमेट चाहिए। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, और चारों तरफ काफ़ी बारिश होनी चाहिए, लेकिन थ्रू आउट द ईयर पूरे साल, और बारिश का वहाँ पर जमाव नहीं हो, पानी रुके नहीं, ये इसलिए इसको हिली स्लोप एरिया में इसको उगाया जाता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटिल स्लोप्स। इसके लिए लोमी सॉइल की आवश्यकता होती है जहाँ पर वेल ड्रेन्ड हो, जहाँ पर पानी रुके नहीं, और जेंटिल स्लोप यानी तिरछा रहे ताकि पानी बरसने के बाद वह तुरंत पानी निकल जाए। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक अप द लीव्स। टी प्लांटेशन में लेबर की बहुत आवश्यकता होती है ताकि इसके पिक्स को, सॉरी इसके लीव्स को, पत्तियों को वह तोड़ते हैं और वह पत्ती फिर जाते हैं इंडस्ट्री में और फिर उसका वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है और फिर तब जा करके फिनिश्ड गुड्स के रूप में टी या हमारे मार्केट में आता है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये सब जो है यहाँ पर अच्छे क्वालिटी के चाय उगाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में।